हेलो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप पनीर पराठा बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिया है चार प्याज, उसमें डाल दिया सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च। उसके साथ साथ डाला है मैंने हरी मिर्च, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। उसको डाल के मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है पाव किलो पनीर। पाव किलो पनीर को एकदम अच्छे से आप ग्रेट कर लीजिए। पनीर जितना ग्रेट होगा उतना खाने में अच्छा लगता है। पनीर पराठा में पनीर ज़्यादा होगा तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। उसको अच्छे से मिला लीजिए। याद का नमक तब मिलाइएगा जब आपको पनीर तुरंत बनाना होगा। यहाँ पे नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है मैंने वो आटा ले लिया है। आटे की अच्छे से आप बराबर जो है दो रोटी एक साइज़ की बना लीजिए। इस तरह से बनाएंगे पराठा जो है वो फटता नहीं, एक साइज़ की दोनों रोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों रोटी सेम साइज़ की हो गई है। यहाँ पे जो है मैंने पनीर लिया है, पनीर यहाँ पे मैं चार चम्मच डाल रही हूँ। और इस तरह से बनाने पे आप जो है पराठा में ज़्यादा पनीर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरा अच्छे से आप पनीर को जो है रोटी के ऊपर रख लीजिए। ऊपर वाली जो रोटी थी उसको अच्छे से पैक करके दबाकर आप थोड़ा सा आटा लगा के उसको अच्छे से लंबा बेल लीजिए। इस तरह से बनाने से क्या होगा, आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा आप पराठा जो है बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग थाली के बराबर जो है मेरा पराठा बन चुका है। और यहाँ पे आप तवे पे सेकने पे रख दीजिए, एक बाजू आपका हो, फिर आप टर्न कर दीजिए। टर्न करने के बाद में आप घी या तेल जो भी प्रेफर करते हैं वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। फिर आपको घी जो है वो दोनों बाजू लगाना है अच्छे से। और इसको आप ऐसे प्रेस प्रेस करके आपको अच्छे से रोटी को जो पका लेना है। जितना प्रेस करके पकाएंगे पराठा उतना क्रिस्प होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पराठा थोड़ा भी फटा नहीं है और फीलिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें भरी हुई है। और ज़्यादा फीलिंग भरी रहेगी तो खाने में टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे पलट पलट के आप दो तीन बार जो है अच्छे से पका लीजिए। दो तीन मिनट ही लगता है, बाकी बहुत ही जल्दी ये पक जाता है। और सेकंड आपको बताने जा रही हूँ जो आप किस तरह से फोक से बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो रोटी जो है दोनों सेम साइज़ का लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम साइज़ की रोटी ले लिया, अच्छे से प्रेस करके बंद कर दीजिए। और फोक की सहायता से आपको इस तरह से कॉर्नर पे प्रेस करके बंद करना है। इससे क्या होगा, जो फीलिंग है वो बाहर नहीं आएगी और देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और पूरा देखिए अच्छे से कवर करने बाद में इसको आप अच्छे से जो है बेल लीजिए। अभी भी आप चाहें जितना पतला जो अपने अकॉर्डिंग मोटा बेल सकते हैं। आप जितना बड़ा भी करिए ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और फीलिंग भी जो है वो बाहर नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी भी फीलिंग बाहर नहीं आई, पराठा कितना अच्छा सीख गया है। वापस से घी लगा लिया दोनों बाजू, फिर से आपको अच्छे से प्रेस कर करके जो है पकाना है। जितना प्रेस करके पकाएंगे पराठा उतना क्रिस्पी होता है और एक सॉफ्ट भी रहता है मिडल से और साइड साइड में थोड़ा क्रिस्पी रहता है। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं मेरा पराठा जो है पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं जो पनीर पराठा आपका रेडी हो गया। आप चाहे किसी भाजी साथ में, चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।